ईशानी हाय. ऑल गुड. आप सब अपने अपने रूम में सेटल हो गए? जी थैंक यू. मुझे भी एक्चुअली आपसे ही मिलना था. क्यों, कोई कमी रह गई? नहीं नहीं, वो आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया. मैं सबके सामने कह नहीं पाई, लेकिन हमें दूसरे रूम की जरूरत नहीं थी. वो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगी उसका. ऑलरेडी एक रूम के लिए एडवांस लिया हुआ है, दूसरा रूम. ईशानी, ना मैंने नीचे तुमसे पैसे मांगे ना अभी. छोड़ो ये सब बातें, जिस काम के लिए तुम सब यहाँ आए हो उस पे फोकस करो. मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे गेस्ट को द ग्रैंड रिगेरिया एक्सपीरियंस पसंद आए, हमारी हॉस्पिटैलिटी पसंद आए. और अगर हमारे होटल में तुम्हारी बहन की शादी फिक्स हो जाती है तो सच्ची बात क्या हो सकती है? आपके होटल की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और आप भी अच्छे होस्ट हो. थैंक यू सो मच. बस विद ऑल द थैंक यूज, मैं भी तुमसे ही बात करने आ रहा था. मुझे स्नैक्स डिस्कस करने थे. मेरे जीज जीजू रणदीप इस होटल के हेड शेफ है, लेकिन वो अभी जर्मनी में है. वो अगर यहाँ होते ना तो यू तुम सबके लिए एक स्पेशल मेन्यू सेट करते थे. नो वरीज, मैंने अपने एसोसिएट शेफ से बात कर ली है. तुम बस रेस्टोरेंट जाओ और अपने गेस्ट के लिए कोई भी मेन्यू चुन लो, हॉट कोल्ड व्हाटएवर. एंड निशानी एक और बात, जब तुम सब चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, तो अपनी फॉर्मल मीटिंग प्लीज मेरे प्राइवेट सूट में करना. रूम, प्राइवेट स्वीट, इन सब के चार्जेस मैं. डोंट वरी, दिस ऑफर कम्स विद नो एडिशनल चार्ज. आप तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं. आई मीन मैं कैसे. नहीं नहीं, किसी की बात नहीं सुनती ना तुम. ईशानी प्लीज रेस्टोरेंट में जाइए, शेफ आपका वेट कर रहे हैं. आई इंसिस्ट. ओके, मैं पहले ये लेटर अरुण जी को दे देती हूँ, फिर जाके स्नैक्स देखती हूँ. ओके, एक्चुअली लेटर मैं दे दूंगा. नहीं, वो मेन्यू डिसाइड करने में, स्नैक्स बनने में टाइम लगेगा, तो लेटर मैं दे देता हूँ. नहीं नहीं, दो मिनट लगेंगे, मैं ही ये लेटर दे देती हूँ. ये लेटर अरुण जी तक पहुँचना बहुत जरूरी है. मतलब यू डोंट ट्रस्ट मी राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. अगर ट्रस्ट करती हो तो लेटर दो. भरोसे के साथ आपको ये लेटर दे रही हूँ. प्लीज ये लेटर अरुण जी तक पहुंचा देना. ये लेटर अरुण जी तक पहुंच जाएगा. इंपॉर्टेंट. मिस फ्राइड राइस, तुमने मेरी माँ को रुलाया. अब देखो कैसे मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे गेस्ट के आगे रुलाता हूँ.